और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए 7 केस मिले हैं, जिसमें एक 3.5 साल का बच्चा भी है। मुंबई में 3 केस आए हैं सामने, बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ के हैं। अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुछ मामलों की संख्या 17 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 695 केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। आज मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले और मिले हैं। पहले के 2 मामलों को मिलाकर अब मुंबई में कुल 5 केस हो गए हैं, जिनमें से 1 मरीज नेगेटिव भी हो चुका है। आज जो मामले आए हैं उनकी बात करें तो 3 मरीज पुरुष हैं। इनमें से 1 तंजानिया से, 1 यूके से और 1 साउथ अफ्रीका से लौटा है। फिलहाल 3 मरीजों को बीएमसी ने 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से 1 मरीज धारावी का रहने वाला है। आज महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन के 4 मरीज मिले हैं। ये लोग विदेश से नहीं लौटे हैं, बल्कि नाइजीरिया से आई एनआरआई महिला के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1 मरीज 3.5 साल का बच्चा है और 1 मरीज को हल्के लक्षण हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज हो गए हैं। पुणे जिले में पहले ही 7 मरीज थे, आज जो मरीज मिले हैं उन्हें जोड़कर 11 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं, पर राहत की बात यह भी है कि पुणे कुछ उन चुनिंदा शहरों में है जहां 100% आबादी को कोरोना की पहली वैक्सीन लग चुकी है। यहां 90% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन लग जाए, इसके लिए प्रशासन ने यहां वैक्सीन की प्रक्रिया और तेज कर दी है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के बाद से भी लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ओमिक्रॉन का जो वायरस का जो डर लोगों के दिल में था, वो उसके कुछ जरूरत नहीं है कि उसका इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन ये एक ही इलाज है। मैं हर लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छा है कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में बीएमसी ने भी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अपनी कमर कस ली है। बीएमसी वैक्सीन लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक मोबाइल वैन लेकर जा रही है, ताकि वो लोग जो किसी वजह से वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं वो आकर वैक्सीन लगवा लें। मुंबई से मुस्तफा शेख और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।